एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका ब्लॉग स्वाइप। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस। आप सभी का वेलकम है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। सुबह के बजे हैं 5 और आज संडे के दिन हम लोग इतना जल्दी क्यों उठ गए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। उठ तो अब से 15 मिनट पहले गई थी बट वीडियो शूट नहीं किया, तो सोचा अब ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। यहाँ पर आज दिन संडे का है और हम लोग जा रहे हैं, आपको पता है कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में दान्य पुण्य गंगा स्नान करना कितना ज़्यादा शुभ होता है। तो हम लोग विद फैमिली जा रहे हैं आज गंगा स्नान करने ब्रज घाट। तो यहाँ पर अभी सारे ही बच्चे सो रहे थे, मतलब हमारे बच्चों का ऐसा होता है कहीं जाते हैं ना तो रात में ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज हम रात भर सोएंगे नहीं, इनका हमेशा का यही ड्रामा रहता है। बट रात को मैंने बहुत मुश्किल से इन लोगों को सुलाया क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को जल्दी निकलना था। तो यहाँ पर सभी लोग उठ गए हैं, उठकर नहाने वाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं लग चुकी हूँ झाड़ू वगैरह लगाने क्योंकि हेल्पर तो इतनी सुबह आएंगी नहीं, तो यहाँ पर साफ सफाई करके नहावा कर पूजा पाठ करके तभी हम लोग घर से निकलेंगे। तो चलिए गाइस फटाफट से सारी सफाई कर देते हैं और उसके बाद फिर फैमिली जाते हैं ब्रज घाट गंगा स्नान करने के लिए। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज का व्लॉग बहुत अच्छा बना है, तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग पूरा देखना, स्किप मत करना और व्लॉग में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो यहाँ पर बच्चे तो सब नहावा रहे हैं, हस्बैंड जी कुछ कोई गाड़ी साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है क्योंकि सुबह सुबह इतने ना तो कोई गाड़ी साफ करने वाले भैया आएंगे और ना ही हेल्पर आएगी, तो सब अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो मैंने झाड़ू लगा दी है, अब मैं लेकर आ गई हूँ मैजिक मोप, फटाफट से मोपिंग कर देती हूँ और उसके बाद नहावा कर निकलते हैं पूजा पाठ कर कर ब्रज घाट के लिए। तो देखिए गाइस सभी लोग हो चुके हैं बिल्कुल तैयार और थोड़ा टाइम लग ही जाता है, बच्चे नहाते वहाते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है, मेंबर भी काफ़ी हैं और ना अभी सभी लोग, पहले मैंने सोचा था कि आज ना मैं साड़ी वेयर करूंगी बट फिर ना वहाँ पर हमें गंगा स्नान करना है, नहाना है तो साड़ी में प्रॉब्लम हो जाती, तो इसलिए मैंने सूटी वेयर किया है। तो भाई जाने से पहले मतलब नहावाकर पूजा पाठ सब हो गया है और उसके बाद अभी मैं पी रही हूँ यहाँ पर आधा कप चाय, तो बस चाय वगैरह पी के हम लोग निकलेंगे। अभी सारे ही बच्चे मम्मी पापा हम सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं, इधर करंग भी बिल्कुल तैयार होकर आ गई है। कल इसको हल्का सा फीवर था तो मतलब ऐसा हो रहा था कि हम लोग जाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे, डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि देखते इसकी तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आज इसको थोड़ा सा गर्म हम लोगों ने पहनाया और सुबह मॉर्निंग में तो थोड़ा हल्का सा ठंडा लग रहा था, तो इसलिए ना अब तबीयत इसकी ठीक है, बेटर है, तो इसलिए हम लोग मतलब प्लान बना रात में कि ठीक है सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे। तो बस रात पर हम लोगों ने पैकिंग वगैरह करके रख दी थी, एक एक कपड़े लेकर जाने हैं हम लोगों को जो नहाकर हम लोग पहनकर वापस आएंगे। तो चलिए गाइस फटाफट से चाय फिनिश करते हैं और उसके बाद निकलते हैं और रास्ते में हम लोगों को दीदी भी मिलने वाली है। हम लोग निकल लिए हैं घर से और घर से निकलते समय वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया, तो यहाँ पर रास्ते में दीदी से भी बात हो गई है, बस वो लोग हमें मिलने ही वाले हैं। नमस्ते नमस्ते प्यू, नमस्ते नमस्ते। ट्रैवल बस बैठे, वो तो बस ला रहे हैं, बताओ सारे चले गए हमें छोड़ कर, देखो हम 4 जने रह गए यहाँ पर, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे और मैं। ये मेरे बच्चे मेरा सपोर्ट करते हैं हमेशा हर जगह ना, बाकी पापा ये सब हम लोग निकल लिए हैं पूरा फैमिली एक साथ पूरे। यार मेरे चश्मे का डब्बा रह गया। कहाँ पे? गाड़ी में। कौन सी गाड़ी में? अमेज में। पीयू आ गई है हमारे साथ, मेरे चश्मे को डैशबोर्ड में रख। नहीं बेटे लगा लो आप। गाइस
वैसे आज हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, फटाफट से घर का सारा काम किया और उसके बाद हम लोग निकल लिए। गाइस आपको पता मम्मी ने मुझे 2 बजे उठा दिया था। 2 बजे? हाँ, और 7 बजे निकले। फिर आप कितने बजे उठे हो? 5 बजे उठे थे आप। फिर आप नहा कर आए हो? नहीं अबे यार, ना परी नहाई ना पीहू नहाई, मैं तो नहा कर आई हूँ। श्यामा भी नहा कर आए, मतलब गंगा जी में पूरा मैल निकालना है तुम लोगों को है। ओहो, और साफ हो गया ना? साफ हो गया ना इसको? परी राधे राधे पियो। मामा से राधे राधे नहीं बोली थी आपने? मेरा बच्चा पियो, आपको तो मामा याद करते आ रहे थे कि मेरा वो तकड़ा सा बच्चा मिलेगा। पियो का निकनेम गाइस मैं बोलना नहीं चाह रही थी, मामा ने इतना अच्छा नाम रखा इसका। किसने बोला? अभी कनक ने बोला, पापा ने कनक का भी नाम रख रखा है। क्या? कनक पाल। तो जब मम्मी कट कर देना, कट कर। हाँ हाँ ठीक। पीपी पियूगा आपने। पियू के आने से हमारे गाड़ी में रमन्नक सी आ जाती है। तो भाई हम लोगों को यहीं पर 8 बज चुके हैं, मतलब 7:45 हो गए हैं और रेड लाइट आ गई है अभी। तो वहाँ हम लोग पता नहीं किस टाइम तक पहुँचेंगे। तीनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर हमारे बच्चे। इनका गेम शुरू हो गया। कनक को भी उड़ा दे। तो चलो भाई चलती है। ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, बहुत जाम लगा हुआ था, तो यहाँ से हमने शॉर्टकट लिया है। थोड़ा रास्ता तो उबड़ खाबड़ है, बट अभी देखते हैं कहाँ निकलते हैं। ऑफ रोडिंग हो रही है। और यार घाट हम लोग पहुँच गए हैं गढ़ मुक्तेश्वर 9:10 कर। हाँ बस 3-4 किलोमीटर रह गया। अच्छा, और जैसे जैसे हम यहाँ को आते जा रहे हैं ना, मौसम देखो कितना चेंज हो गया ना। पानी बहुत ठंडा। और गाइस यहाँ पर मेरी आँख लग गई थी, मेरी थोड़ी तबीयत मुझे डाउन सी लग रही है। एक तो गर्दन में पीछे दर्द हो रहा है, नाक बंद हो गई है। सुबह सुबह 3 पराठे कर रिकॉर्ड। हाँ 3 पराठे। हाँ क्या बोलो? सुबह सुबह 3 पराठे खाकर, 1 कटोरा 1 बेला दही का खाकर आदमी को आपने बनाया था पराठे, नींद नहीं आएगी। और मेन्यू है ये कैसे? अच्छे किसकी गाड़ी है ये? अच्छे किसी और की थी यार। किस आप गन्ने लेने हैं आज? तो गन्ने पापा जी लेके तो आएंगे जब बोलू जाएंगे। ये देखो शुगर केन, इन्हीं की तो शुगर बनती है, चीनी जो बनती है, गुड़ जो बनता है, इन्हीं गन्नों का बनता है। मम्मी मैं बताऊं कि कौन-कौन खाना खाना सख्त बना है। हाँ तो गाइस देखो पहुंच चुके हैं हम लोग पार्किंग, देखो यहीं से अब हम लोग नहाएंगे और पीहू को मैं नहलाऊंगी। पीहू को नहलाऊंगी, गिरा गई क्यों पड़ा हुआ है। मम्मी को नहलाऊंगा है भाई। हाँ बहुत अच्छा है भाई, उससे ज्यादा कनक को नहीं चप्पल। बहुत ज्यादा भीड़ है गाइस, आगे कह रहे हैं कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है ज्यादा, वो मतलब है नहीं जगह। हाँ तो यहीं आसपास ही कहीं लगानी पड़ेगी। इस भीड़ इतनी ज्यादा है, हम लोग पीछे वाले रास्ते से आए हैं, तभी भी देखो चारों ओर गलियों में गाड़ी खड़ी और हमारी गाड़ी बीच में फंस चुकी है, ना आगे ना पीछे। अब देखते कब तक जाते हैं। पीछे भी बहुत है ना, पीछे भी है, साइडों में भी आप लोग देख सकते हैं और आगे भी। अंगूर
ये देखो यो यो हनी सिंह, ये गाड़ी जगह मिल चुकी है गाड़ी पार्क करने के लिए, और एक गाड़ी यहाँ पर है, दूसरी गाड़ी हमारी वहाँ पर है। वो देखो स्लीपर्स वगैरह निकाल रहे हैं अभी, सब स्लीपर्स गाड़ी में रख रहे हैं। दो गाड़ी कहाँ गई वो वाली, इधर तो जगह है, आगे भी हो जाएगी। वो क्यों बड़ा कर रहा है, कह रहा मोमोज आपको डुबा डुबा के नहीं लाऊंगा, डुबा मत देना मुझे। चलो भाई मम्मी अभी 10-20 मिनट में आज हमने तक सामान हमने वो मिल ही रहा है आज से, तुम्हें चले बल्ली और भीड़ का मैं गाड़ी में रखा भाई। बच्चों को ले आ, बच्चे बैठे हुए हैं, मम्मी कह रही है, मम्मी कह रही है गाइस गंगा स्नान हो चुका है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से नहाया, और नहाने के बाद ना कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद हम लोगों ने पूजा की। पूजा करने के बाद अभी सभी लोगों को बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि नहाने के बाद ना बहुत तेज भूख लग रही थी। तो चलिए अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, बट यहाँ पर मतलब पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। और यहाँ पर ना ये राजू भैया जो है शुद्ध देसी घी की पूरियाँ बनाते हैं, बहुत ही फेमस यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है। तो हम लोग यहीं पर आए थे, पापा जी बोल रहे थे कि तुम लोगों को ब्रेकफास्ट वहीं पर कराऊंगा, बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी गाइस, मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। तो हम लोग बिना ब्रेकफास्ट करे ही वहाँ से वापस आ चुके हैं, और अभी ले रहे हैं आंवला, क्योंकि आज आंवला नवमी भी है, तो बस आंवला वगैरह आज के दिन दान करना बहुत अच्छा होता है। तो गाइस आंवला हम लोगों ने ले लिया, आज आंवला नवमी भी है। इतनी ज्यादा भीड़ है ना, इतनी ज्यादा भीड़ है। हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए तो थे, लेकिन ना कहीं जगह ही नहीं मिली हम लोगों को बैठने के लिए, क्योंकि रश इतना ज्यादा है बैठने का, खड़े होने की भी जगह नहीं, बैठने की तो पता नहीं कब मिलती। और चारों ओर गलियों में गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। तो अभी हम लोग निकल लिए यहां से, गंगा स्नान हो गया है हमारा, पूजा पाठ भी हो गई है, बट ब्रेकफास्ट हमने नहीं किया है। और मेरे पति देव को लग रही है भूख, इनको भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है गाइस। हम लोगों ने यहाँ से आंवला ले लिए हैं, और क्या लिया है, कमरख लिया है, और अभी हम स्टार फ्रूट खट्टी मीठी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, काला नमक, जीरे वाला नमक डाल के सब्जी भी बनती है उनकी, बड़े पापा माँ को बहुत पसंद है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, देखते हैं अब कहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट, भूख तो बहुत लग रही है, नहाने के बाद और ज्यादा लगने लग गई, और बहुत नहाया हम लोगों ने, बहुत एंजॉय किया। बाबूगढ़
गाइस हम लोग ट्रैफिक में से बहुत मुश्किल से निकले। एक्चुअली पता क्या हुआ, हम लोग चले गए रॉन्ग साइड। पापा जी यार पहले चले गए थे और यहाँ पर डीएम आ रही है तो इतना ज्यादा भीड़ थी ना, इतना ज्यादा रश था, ट्रैफिक इतना ज्यादा लगा हुआ था। साइड को निकालता हुआ चला गया। हाँ, और हम लोग दूसरी साइड लेफ्ट मुड़ना था, हम सीधा एक्सप्रेसवे वाले रोड पे पहुंचने वाले थे। हमें लेफ्ट मुड़ना, हम राइट पे आ गए और फिर इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, साहब ने, हमारे इंस्पेक्टर साहब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो फिर मतलब रॉन्ग साइड से हमें जाने दिया, मतलब निकलने दिया। तो चलो भाई, कुछ ना कुछ तो है मेरे पति में भी बात। डीएम के बाद हमारी ही गाड़ी निकली। गढ़ से तो हम लोग निकल लिए थे, अभी हम लोग आ चुके हैं मामा यादव जी के रेस्टोरेंट। ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है गाइस, बट यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना हम लोगों का, काफ़ी देर में वेटिंग करने के बाद नंबर आया और अभी हम लोगों ने मेन्यू वगैरह देख के अपना ऑर्डर वगैरह दे दिया खाने के लिए। बस अभी खाने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो गाइस हम लोगों का लंच वगैरह हो गया है और अब हम चलते हैं घर के लिए, निकलते हैं। कितना बज रहे हैं पता नहीं, 12:15 बज गए होंगे। गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं घर के लिए। मामा यादव उसमें रेस्टोरेंट पर इतनी ज्यादा भीड़ गाइस, पूछो ही मत। बस देखो ये बंद रहा, यहाँ पे फूल है ना। हाँ ये वाला तो गाइस देखो हम अपने खेतों पे आए हैं, ये हमारे खेत है, बंदा पूरा है, और ये हमारी ट्यूबवेल है, ये हमारे बच्चे हैं। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं दीदी के यहाँ पर, पीहू जबरदस्ती करके लेकर आगे कि नहीं मामी चलना है, चलना है, यहाँ बैठी देखो आगे मेरे को पीछे बैठा दी इन दोनों ने, कितनी चंट बनती है ना ये दोनों। गाइस मैं बताऊँ ना पूरी दोपहर मुझे इतनी थकान हो रही है सोने इन दिया मेरे को इतना मार के लाल कर दिया, इतना मार रहे थे, फोन मार रहा था तेरे को। हम सबसे पहले आ गए, अरे कोई नहीं है गाइस, दोनों ही गाड़ी पीछे हैं, हम लोग सबसे पहले आ गए। अब बहुत ज्यादा नींद आ रही है, थकावट इतनी ज्यादा हो रही है कि चलो फटाफट से समय पर्स को यहाँ पर रख दे सही से। हाँ भाई अब सोएंगे। बाय अंकल। चलो भाई, अरे बैठे रहो, 2 मिनट का रास्ता है अब। चलो भाई, तो गई हम लोग निकल लिए दीदी के यहाँ से भी, अब हम लोग पहुंचेंगे घर पर। और हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही आज, संडे का दिन, सभी की छुट्टी थी, बहुत ही मजा किया, बहुत ही इंजॉय किया। ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करेंगे। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, ये देखो अभी भी बाय कर रहा है। बाय 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 गाइस।